अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक एक उर्दू रोजनामे से है और आप एक उभरते हुए सियासतदान हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पोज बनाऊं? किसके लिए? आपके अखबार की तस्वीर के लिए। वो दरअसल रास्ते में आते हुए हमारा फोटोग्राफर रीमा को देखकर मेरे मोटरसाइकिल के पीछे से मुझसे पूछे बगैर खुद ब खुद कूद गया। सिर्फ इंटरव्यू करना है। हेडलाइन लगेगी? सिर्फ लाइन लगेगी। हेड अगर होता तो आप मुझसे ये सवाल ना करते। हेडलाइन तो फिक्स्ड होती है। 5 इश्तहार ये हेडलाइन, 6 इश्तहार ये हेडलाइन। ओहो, जल्दी करो, मुझे कहीं जाना है यार। मैं मालिश करने नहीं आपका इंटरव्यू करने आया हूँ। अच्छा, मालिश कर लेते हो? मैं एक बहुत बड़े रोजनामे का रिपोर्टर हूँ। अगर इलेक्शन हुए और मेरी पार्टी जीत गई तो मैं तुम्हारे मालिक को भी मालिश के लिए बुला सकता हूँ। उन्हें तो आप इस वक्त भी बुला सकते हैं, इसलिए कि वो मालिश करना जानते हैं। याद है आपको कल अफ्तार पार्टी में आपने मुझसे क्या कहा था कि अगर मैं यानी आप जनवरी में उबूरी वजीर आजम बन सकते हैं? जी हाँ, लेकिन मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे याद है। ओ यार, एक तो ये अखबार वाले पता नहीं कैसी फजूल फजूल बातें याद रखते हैं। ठीक है, उस बारे में आप क्या बयान देना चाहते हैं? इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर है उफ़ल्लाह, कुछ कह भी नहीं सकते। मैंने जनवरी जरूर कहा था लेकिन साल नहीं बताया था, और वैसे भी मेरी जान ये जनवरी तो अबूरी आ रही है। अभी तो पता नहीं कितनी जनवरी आई। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी सियासत की जिंदा रहेगी। आपने तकरीर सुनी? जिस वक्त पीटीवी से तकरीर आ रही थी उस वक्त मैं जनवरी में करोड़पति बनने के लिए एक प्रोग्राम देख रहा था। तो आप सियासत में करोड़पति बनने के लिए आए हैं? मुसलमान हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। यस, और सियासत में तो जो भी आया कुछ ना कुछ बन के गया। और गरीब आया अमीर बन गया, जमींदार आया मुल्कदार बन गया, करोड़पति आया अरबपति बन गया। तो आप मुल्क की दौलत लूटने के लिए सियासत में आए हैं? नहीं ना, ना जी ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मुल्क वालों ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया तो शायद मैं ना लूटू। आपका मंशूर क्या है? इब्तदाई तालीम मुफ्त, वजीर से लेके एक गरीब शहरी तक। मुबारक हो, मैं अपनी पड़ोसन से शादी कर रहा हूँ ताकि पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे रहें। कौम के नाम कोई पैगाम? कौम के नाम मैं एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि फितरा ज़कात मेरी पार्टी को दें। ज़कात? सॉरी सॉरी, वोट। वैसे भी आदमी के मुंह से वही निकल जाता है जिसकी उसको जरूरत होती है। आपका निशान? निशान वो इस वक्त मैं नहीं बता सकता, मेरी रीढ़ की हड्डी के पास एक अठन्नी बराबर तिल है। मैं आपका इम्तियाजी निशान नहीं, आपकी पार्टी का निशान पूछ रहा हूँ। ओ, पार्टी का निशान? मेरी पार्टी का निशान है बाट। बाट? वो जो तोलने के लिए होता है। ये कैसा निशान? इसके बड़े मतलब निकलते हैं। अगर मेरी पार्टी इलेक्शन में जीत गई तो पार्टी वाले मिल बाट के खाएंगे, और बाट का ताल्लुक है तराजू से यानी इंसाफ, और बाट को अंग्रेजी में कहते हैं वेट। वेट? ये इलेक्शन के लिए कब तक वेट करना पड़ेगा यार? अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे आपका वेट कितना है? मुझे इजाजत है, इंटरव्यू हो गया, प्लीज वेट।